नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और सालों से बक्सर लोकसभा क्षेत्र का कितना विकास हुआ है यहाँ के लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है कितना विकास हुआ है इतने साल? यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ है, कोई विकास नहीं। तो फिर बार बार अश्विनी चौबे को टिकट कैसे मिल जाता है? मिल रहा था, सरकार दे रही थी। जीतते भी तो है आप लोग, वोट करके जिताते हैं? हाँ तो जिताते थे, हम नहीं जिताएंगे। एम्स लेकर चले गए भागलपुर, का विकास हुआ है? रोड का कंडीशन देखिए रही है, विकास होता तो दिखता नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए ना। क्या विकास लग रहा है, क्या हुआ है बक्सर का? विकास कुछ नहीं हुआ है बक्सर का, बस नया प्रत्याशी में है सुधाकर सिंह, उनको भारी मतों से विजयी बनाना है। माफ कीजिएगा, अश्विनी चौबे के रहते हुए क्या क्या काम हुआ है बक्सर? कुछ भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। लेकिन वो तो दावा कर रहे थे कि हमने इतना काम किया है, इसके बाद भी बीजेपी ने उन्हें इग्नोर किया, टिकट नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिथिलेश तिवारी को टिकट मिला है, वो कैसे? मिथिलेश तिवारी को बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, विकास बक्सर में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि हमने विकास किया, तो अपने विकास को बक्सर में गिना है कि हमने कितना विकास किया। और रह गई जैसे कि अश्विनी चौबे भी यहाँ के प्रत्याशी नहीं थे, बाहर के प्रत्याशी। बक्सर में हमारे ऐसे इंडिया के प्रत्याशी नहीं है कि उसको टिकट दिया जा सके, ऐसा तो है। लेकिन यहाँ पे पार्टी जो है दूसरे जगह के प्रत्याशी को ले आकर टिकट देगी, तो बक्सर की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। मान लीजिए अश्विनी चौबे को दो बार यहाँ से जनता जिताई, लेकिन इस बार उनको साफ यहाँ से नकारा कर दी गई। इस आनंद मिश्रा को भी तो वादा किया गया था बीजेपी के द्वारा। आनंद मिश्रा को वादा किया गया था तो अपने लाभ के लिए ना यहाँ पे आए हैं। मान लीजिए वीआरएस लिए हैं, ऐसा थोड़े की दिक्कत नहीं है कि वीआरएस मान लीजिए हम नहीं चुनाव जीतेंगे तो फिर दोबारा जाकर ज्वाइन नहीं करेंगे, ऐसा तो भी वो नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अगर वो यहाँ से हार भी जाते हैं आनंद मिश्रा जी, तो जाकर तुरंत ज्वाइन कर लेंगे वो। लेकिन वो कैसे? ठीक है, वो तो रही वीआरएस की बात रही या फिर चुनाव जीतने नहीं जीतने की बात रही। अगर मान लीजिए कि वो उतारे जाते प्रत्याशी, या फिर अगर वही खड़ा हुए निर्दलीय ही खड़ा हुए हैं, तो कैसा मतलब कैसा उनका है? देखिए निर्दलीय वो खड़े हैं तो निर्दलीय में तो पहला नंबर निर्दलीय की मतलब ऐसा उनका कोई यहाँ पे क्रेज नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर युवाओं के उनके साथ हैं, बहुत सारे उनके साथ में ऐसे हुए हैं जिनका खुद का ही अपना मतदान करने का उनके पास अधिकार नहीं है अभी। तो देखिए, आनंद मिश्रा यहाँ लड़ाई में नहीं है, यहाँ पे लड़ाई दो ही आदमी में, एक जो एनडीए के प्रत्याशी है वो और दूसरे चीज सुधाकर सिंह। तो सुधाकर सिंह की यहाँ से जीत पक्की है, एक बार समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या लग रहा है अब कि विकास, जो भी सांसद आपके बन के आएंगे उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं विकास? देखिए, हम लोग तो मान लीजिए एनडीए के सांसद को भी यहाँ पे देख चुके हैं, इस बार हम लोग यहाँ के सारे जनता जो है सुधाकर सिंह को इस बार मौका दे रही है। भारी से भारी मतों से यहाँ से हम लोग सुधाकर सिंह को विजयी बना रहे हैं। अगला बार जो भी हमारा जो यहाँ भी विकास का जो भी कार्य रह गया है उसको धरातल पर पूरा करेंगे, यही चीज़ है। ठीक है, देखिए साफ तौर से लोग क्या बताते हुए नजर आए हैं, इनका कहना है कि विकास नहीं हुआ है और ऐसे में उम्मीदें काफ़ी है, जो भी इनके सांसद बन करके आएंगे उनसे उम्मीद है कि बक्सर का आगे विकास होगा। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ बक्सर।